नमस्कार। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के इस कोर्सवेयर में आप सबका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़े लोगों और किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन अब कोई नया शब्द नहीं रहा। मौसम में हो रहे रोज रोज के बदलाव और जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम मौसम और जलवायु परिवर्तन के अंतर को समझें, साथ ही ये भी समझें कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे इस जलवायु परिवर्तन के मार से खेती में होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन के इस कोर्सवेयर की आपको क्या जरूरत है या फिर इससे आपको क्या फायदा होगा। दरअसल इस कोर्स से आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इससे आपको ये समझने और किसानों को समझाने में आसानी होगी कि जलवायु परिवर्तन के नुकसानों को कैसे कम किया जा सकता है, साथ ही खेती से जुड़े सही निर्णय लेने में आप किसानों की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बिना देर किए आज ही शुरू कीजिए जलवायु परिवर्तन के इस कोर्सवेयर को और जल्दी से पूरा कर जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों को कम करने और एक बेहतर पर्यावरण के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए देखते और समझते हैं इस सीरीज के पहले वीडियो में मौसम और जलवायु परिवर्तन के अंतर को। इस वीडियो का उद्देश्य मौसम और जलवायु परिवर्तन के अंतर और इससे कृषि पर होने वाले नुकसानों को समझना है। इसी का डर था, हो गई ना बारिश शुरू। वो आगे मोड़ पर सुनीता का घर है ना, वहीं रुकते हैं। अब जल्दी चलो। अरे आप दोनों भी यही हैं। आओ सिमी, सब बेमौसम बरसात की मेहरबानी है। अब तो यहाँ मौसम भी पल पल में बदल जाता है। सुबह में धूप निकली हुई थी और अभी अचानक बारिश होने लगी। लगता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है या मौसम बदल रहा है ये तो समझने वाली बात है। चलिए ना, जब तक बारिश हो रही है तब तक इसी पर कुछ बातें करते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सबको मौसम और जलवायु के अंतर को समझना होगा। मौसम तो मुझे पता है, मौसम से हमारा मतलब किसी एक निश्चित समय पर उस स्थान का हाल, जैसे कि वहाँ का तापमान, बारिश, नमी, हवा, बादल, बर्फबारी से होता है। यानी कि किसी जगह के वायुमंडल में होने वाले रोजाना बदलाव को हम उस जगह का मौसम कहते हैं। बिल्कुल सही, मौसम में समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। जैसे यहाँ गर्मी के मौसम में लू चलती है और सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ता है और कभी कभी पाला भी पड़ता है। ये कभी ज्यादा तो कभी कम होता रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बदलाव हमेशा छोटे समय के लिए होता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में मैं बताती हूँ सुगंधा। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि मौसम परिवर्तनशील होता है, मतलब इसमें समय समय पर बदलाव होते रहता है और जब यही बदलाव स्थायी हो जाता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु शब्द का प्रयोग हम हमेशा बड़े इलाके जैसे किसी देश की जलवायु या फिर धरती की जलवायु के लिए करते हैं। मतलब मौसम का समय और क्षेत्र छोटा होता है जबकि जलवायु का समय और क्षेत्र बड़ा होता है। हाँ, जिस तरह मौसम कुछ समय में बदलता रहता है उसके उलट जलवायु के बदलाव में कई वर्षों का समय लगता है। जलवायु दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है और इसे बदलने में कई दशकों का समय लग जाता है। हम लोग भी इसको महसूस कर पाते हैं। बचपन में अगर आप याद करो तो बारिश एक समय पर होती थी, लेकिन आजकल बारिश अनियमित होती जा रही है। इससे किसान अपनी फसल को समय पर लगा नहीं पाते और फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अचानक बारिश की वजह से अच्छी फसलें भी खेत या खलिहान में ही भीग जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। सही कह रही हो सुगंधा, अभी पिछले साल मेरी ही आलू की बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन कोहरा ज्यादा होने और पाला लगने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। ज्यादा गर्मी से सूखा पड़ने का खतरा भी अधिक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हम महिलाओं की खेती, आजीविका और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
अब समझे, तापमान का बढ़ना, जल स्तर का घटना और बारिश का अनियमित होना जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और इन दोनों के कारण फसलों की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी से कई फसलों की पैदावार कम होती जा रही है और फसलों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि हमें अब ऐसे फसलों को लगाने की जरूरत पड़ रही है जिस पर मौसम या जलवायु का कम से कम प्रभाव पड़े। चलो चलो, अब बारिश रुक गई है, किसी और दिन जलवायु परिवर्तन का खेती पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से बात करेंगे। अरे, समय कैसे कट गया और बारिश कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। आइए विचार करें कि मौसम और जलवायु परिवर्तन का खेती के साथ साथ हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं।